नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। तनाव लेना सेहत के लिए कितना घातक है यह तो आप जानते ही होंगे, लेकिन समय रहते इसे सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो यह ना सिर्फ हमारी तरक्की को रोकता है बल्कि तनाव के कारण हम कई बीमारियों को भी न्योता दे बैठते हैं। पहले कभी बड़े बुजुर्गों को तनाव होता था, लेकिन अब बच्चे भी मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जो हालात हैं वे बड़े ही चिंता पैदा करने वाले हैं। बच्चों का बालपन बचा रहे और उन्हें तनाव रहित शिक्षा और जिंदगी दी जा सके, इसके लिए तत्काल बड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा हालातों को देखते हुए बच्चों पर मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। मनोबल पर गेम खेलना हो या फिर मोबाइल के माध्यम से पढ़ना हो, दोनों ही अति बच्चों को अवसाद का शिकार बना रही हैं। इसके अलावा आज के समय में घरेलू कलह के चलते भी बच्चे परेशानी में हैं। माँ बाप के बीच में होने वाले झगड़ों का भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। माता पिता अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं और बच्चे भी उनकी इन आदतों के कारण हिंसक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। यह सभी जानकारी करनाल की साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर भावना शर्मा ने दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे उच्च तनाव के शिकार हैं। इसके कारण कुछ एक को मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो रही हैं। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि गाँवों में 6.9% बच्चों की यह बीमारी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुना यानी 13.5% बच्चों में यह तनाव देखने को मिला है। जानकारों के अनुसार इसका सीधा संबंध शहरी जीवन और अंक आधारित प्रतियोगिता वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली से है। उन्होंने बताया कि आजकल हम सभी की दिन की शुरुआत आपाधापी से होती है। सुबह उठते ही घरेलू समस्याओं, पति पत्नी और बच्चों से जूझते हुए जल्दी जल्दी अपना नाश्ता लेते हैं और फिर एक लंबा सफर तय कर शहर के ट्रैफिक से बचते बचाते जब ऑफिस पहुंचते हैं तब तक हम तनाव में आ चुके होते हैं। बस उसे भड़काने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छी प्लानिंग के साथ करें। ऐसा करके ना सिर्फ अनचाही स्थितियों से निपटा जा सकता है बल्कि वर्क प्लेस स्ट्रेस को भी हैंडल करना आसान होगा। भावना शर्मा ने बताया कि माता पिता को चाहिए कि वह घर पर आकर अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय जरूर व्यतीत करें, बच्चों से कहानी सुने या फिर उन्हें सुनाए। अगर यह भी संभव नहीं है तो हो सके तो एक समय पर भोजन बच्चों के साथ अवश्य करें। बच्चों से उनके मन की बात भी साझा करने का प्रयास करें, ताकि बच्चों के दिमाग पर जो बोझ है वह आपके सामने आ सके और आप उसे दूर करने का प्रयास कर सके। वहीं पति पत्नी के बीच होने वाले कलह के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसका सीधा प्रभाव बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। इस बाबत उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पति पत्नी के बीच कलह के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कारण आपसी विचार का ना मिलना है। दोनों में से यदि एक थोड़े समय के लिए शांत हो जाए और दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करें, हो सके तो अहंकार को त्याग कर एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें, तो ऐसा करने से काफी हद तक कलह खत्म किया जा सकता है। यदि घरेलू कलह कम होंगे तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। बच्चे देश का भविष्य हैं। देश के भविष्य को तनाव की नहीं, प्यार और माता पिता के समय की आवश्यकता है। देखिए एक रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज का जो मुद्दा, जो विषय लेकर मैं आज बैठा हूं, वो काफी गंभीर विषय है। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, कहा नहीं जाता, ये असलियत है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन अगर देश का भविष्य ही गलत में चला जाएगा या बच्चों के देश के भविष्य के दिमाग पर इतना स्ट्रेस होगा कि वो अपना काम काज या अपना बचपन ठीक से नहीं जी पाएगा, तो उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं
करनाल से प्रमुख काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर भावना शर्मा, इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन सरकार की तरफ से चलाई गई थी, जिसमें कि रेस्क्यू किया जाता था बच्चों को, कि जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, उन बच्चों को रेस्क्यू करके इनके बाल भवन में लाया जाता था, वहाँ बच्चों की काउंसलिंग की जाती थी। ये भावना मैडम उन बच्चों की काउंसलिंग करते थे। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आज के मौजूदा दौर में बच्चों की मनोस्थिति कैसी है, क्यों है, और इसका इलाज क्या है बच्चों की मनोस्थिति को बेहतर बनाने का, बच्चों को तनाव से निकालने का, क्योंकि आज के समय में बड़े तो तनाव से ग्रस्त नहीं है, बच्चे भी तनाव से ग्रस्त हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज का जो मौजूदा दौर है, बच्चे बड़े तो ही हैं तनाव से ग्रस्त, बच्चे भी तनाव से ग्रस्त हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो मौजूदा हालात हैं, जैसे COVID-19 चल रहा है, आप जानते ही हैं, उसमें बच्चे घर में बंद हो गए हैं। और पहले भी, एक तो आप पहले दूर दूर रहते थे, फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, कहीं ना कहीं एनर्जी चैनलाइज हो रही थी, लेकिन अभी क्या है कि बच्चे घर में रह रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो भी घर में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे के साथ तनाव बढ़ते जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़े, और इसका इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है, स्ट्रेस, अब इकोनॉमिकली भी कुछ नहीं है लोगों के पास, तो उसका भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट पूरा बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए, पेरेंट्स जब अपसेट होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलता है, बच्चों की पिटाई कर देंगे या बच्चों को गुस्सा कर देंगे, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों तक भी आ जाता है। और अब बच्चे फ्रस्ट्रेशन में क्या करेंगे, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में या तो बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि किस पर निकालेंगे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में एक कुंठा, स्ट्रेस कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है, और बच्चे फिर स्टडी में, हम कहते हैं कि बच्चे अब स्टडी में अच्छे नहीं रहे, तो वो स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और उसकी वजह से बच्चे स्टडी में भी पीछे हो जाते हैं, पेरेंट्स प्रॉपर अपनी ही परेशानियों की वजह से उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा कि कई बार मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा आ गया है तो बच्चे को बोल देंगे कि नहीं, तुम जाओ यहाँ से, है ना, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उसकी वजह से भी बच्चों को लगता है कि अच्छा, पेरेंट्स तो सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं या अपने सब कामों में लगे हुए हैं, हमें तो कोई टाइम ही नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से स्ट्रेस बच्चों में बढ़ता जा रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि कहीं ना कहीं उसे चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। या तो आप बच्चों से स्टोरी सुनिए, या आप बच्चों को कोई स्टोरी सुनाइए, या आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। एक क्वालिटी टाइम देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि बच्चे के फादर हैं, सुबह गए हैं, शाम को आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों को रहता है कि मेरे पापा तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर आप 15 मिनट भी अपने क्वालिटी टाइम में से निकालें, चाहे आप एक टाइम का मील अपने बच्चों के साथ लें, मील लेते हुए बच्चों के साथ बातें करें बजाय टीवी देखने के, तो बच्चों के साथ आप बातें करेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे, वो क्या फील करते हैं, तो क्योंकि बच्चे सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ देख के ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे कंप्यूटराइज्ड हैं, आपको पता ही है। तो इस कारण से बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, दोनों पेरेंट्स को, मदर को भी और फादर को भी। ऐसा नहीं है, इन मैम ने बताया कि किस तरह से मौजूदा समय में बच्चे घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं, महामारी के चलते बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं। पहले स्कूल में बच्चे जाते थे तो वो अपने दोस्तों से मिलते थे, खेलते थे, हंसते थे, लेकिन अब वो चीज़ें लगातार पिछले 4 महीनों से लगातार बंद पड़ी हैं। इसी तरह की कुछ कंडीशन उनके माता पिता की भी है, वो भी घर में कैद होकर रह गए हैं, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है, कोई इकोनॉमिकली वीक हो गया है, तो वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर निकल रही है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए, जहाँ तक हो सके बच्चों का थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ताकि बच्चे मेंटल स्ट्रेस से फ्री हो सके। मैडम, आपने 1098 टीम के साथ काम किया है काफ़ी लंबे समय तक, उस समय में आपके साथ चैलेंजेस कैसे रहते थे? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे। पहले तो अगर गांव से कोई केस आ गया है जिसमें कि फादर ड्रिंकर हैं, बच्चों को मारपीट के बाहर निकाल देते हैं, उसमें बहुत चैलेंज था, क्योंकि पेरेंट्स को समझाना। देखिए, जहां हम बच्चों के, हम कह रहे हैं कि बच्चों को बाहर निकालो आप डर से, लेकिन बच्चों को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स का भी तो बिहेवियर चेंज करना ज़रूरी है। तो हम लोग पैरेलली दोनों की काउंसलिंग करते थे, बच्चे की भी और साथ के साथ पेरेंट्स की भी। तो उसमें अगर हम फादर की काउंसलिंग कर रहे थे तो फादर से बात करने बड़ा मुश्किल हो जाता था, कभी फादर मिल नहीं रहे हैं, हम बार बार जा रहे हैं, कभी फादर बोल रहे हैं कि जी मुझे नहीं करानी है काउंसलिंग, में क्यों कराऊं, मुझे क्या ज़रूरत है। क्योंकि काउंसलिंग का मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि अरे साइकोलॉजिस्ट आ गया है, ये तो पागलों को देखने वाला डॉक्टर है, हमें इससे बात नहीं करनी। तो इसमें जो 1098 थी, इसमें कई तरह के कॉल्स आपके पास आते थे,
भी जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि पिता शराब पीता है तो उसने बच्चों को घर से निकाल दिया और भी कई सारे होते थे मैडम, जैसे जब आप बच्चों को रेस्क्यू करके लाते थे उस समय उनकी मनोस्थिति कैसी होती थी और उनको उस मनोस्थिति से डर से वहम से भय से बाहर निकालने के लिए वो किस तरह का प्रयास करना पड़ता था? देखिए जब हम बच्चों को लेकर के आते हैं बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं और उसके बाद उनकी सबसे पहले तो उनके साथ रेपो बिल्ड करना ज़रूरी होता है, उनको ये एहसास दिलाना ज़रूरी होता है कि हम उनके साथ हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन उनके साथ है, एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये ज़रूरी होता था कि उनको ये दिलाना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, चीज़ें ठीक भी होती हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं आप आगे ज़िंदगी आप जियो। आप कई बार बच्चे कहते थे कि हम तो सुसाइड कर लेंगे, फ़ोन पर बोल देते थे कि सुसाइड कर लेंगे। मेरे पास ऐसा ही एक केस था, रात को मेरे करीब 11 बजे केस आया और उस बच्ची ने बोला कि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे सुसाइड करना है। आप सोचिए कि वो बच्ची, कुरुक्षेत्र भी हमारे ही उसमें आता था, कैथल भी हमारे पास ही था उस टाइम पे। तो एक फ़ोन पे काउंसलिंग करना, तो फ़ोन पर भी मैंने काउंसलिंग की है जिसमें कि उस बच्ची को इतना मोटिवेट किया और उसकी ऐसा नहीं होता कि हमने एक काउंसलिंग की और सब कुछ फिट हो गया, ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत सारी काउंसलिंग्स करनी पड़ती हैं, दो दो तीन तीन महीने तक लगातार काउंसलिंग्स करनी पड़ती हैं। तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसको जो पॉजिटिव साइड है लाइफ की वो दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चा जो है उस चीज़ से बाहर निकले और अच्छी ज़िंदगी जिए। ऐसे बहुत सारे इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके पास जो बच्चे आते थे वो किस तरह से उनकी मनोस्थिति कैसी होती थी और उनको उस मनोस्थिति से बाहर निकालने के लिए कई बार कई कई महीनों तक ही काउंसलिंग करनी पड़ती थी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ 1098 सरकार द्वारा जारी की गई चाइल्ड हेल्पलाइन है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी न किसी रूप से प्रताड़ित हो रहा हो या वो अपने माता पिता के से अलग हो गया हो या वो बिछड़ चुका हो या वो ऐसे कुछ कामों में पड़ गया हो कि जो गलत काम है, तो आप इसकी सूचना तुरंत 1098 पर दे सकते हैं। वहाँ से एक रेस्क्यू टीम बच्चों तक पहुँच जाएगी और बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने का भरसक प्रयास करती है। इसके अलावा बच्चों की पूरी काउंसलिंग करते हैं। मैडम एक चीज़ और बताइए, आज की डेट में जो मोबाइल है, मोबाइल बच्चों के लिए चुनौती बन गया है। मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे गेम्स आ रही हैं कि बच्चे उनको देख के सुसाइड जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो मैम क्या ऐसी जो मोबाइल्स हैं या जो ऐसी जो गेम्स हैं उन पे क्या पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? जी देखिए, पहले तो बच्चों को मोबाइल देने पे पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाई जा रही है तो उसके लिए बच्चों को मोबाइल रखना पड़ता है। देखिए मोबाइल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जितना ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे आपके इमोशंस ख़त्म होते जाएंगे और जब आपके इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे आपके तो बट ऑब्वियस है कि आप इस तरह की स्थितियों में पहुंचेंगे। देखिए आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोबाइल रखते हैं उनको अटैचमेंट नहीं है किसी से, प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखना चाहिए, पेरेंट्स उस पर काम देखें और पेरेंट्स कराएं। अगर पेरेंट्स नहीं करा सकते, मॉर्निंग में नहीं करा सकते, तो इवनिंग में आने के बाद देखकर खुद बच्चे को कराएं। एक चीज़ और बताइए कि जैसे मोबाइल को पहले कभी स्कूल में बैन किया जाता था कि मोबाइल लेकर आना ना अलाउड, लेकिन अभी वही मोबाइल हैं जो कि स्कूलों को चला रहे हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए कोविड-19 में स्थिति ऐसी बन गई है कि मोबाइल जो है वो स्कूल को चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसी क्लासेस अगर ना भी हों तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक जो है वो पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं घर पर बैठे। ऑनलाइन क्लासेस 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे तक लगती हैं, बच्चों का लगातार मोबाइल के ऊपर देखना या कहीं ना कहीं उनकी नज़र पे, उनकी आई सेट पे या उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करता जी? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए अब स्टार्टिंग में जब मेरे बेटे की क्लासेस शुरू हुई तो वो देखता था मोबाइल पे, और जब वो मोबाइल पे देखता था तो कई दिन उसने बोला कि मेरी आईज़ में बहुत पेन है, आईज़ में बहुत पेन है। तो फिर मैंने अब उसको मैं ही उसको पढ़ती हूँ और मैं फिर अपने आप उसको पढ़ाती हूँ। तो इसका देखिए ड्रॉबैक तो है और इसका बहुत इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, मेंटली भी, इमोशनली भी, और जो फिजिकली पड़ रहा है वो तो आपको पता ही है कि आई साइट वगैरह वीक हो रही है। तो आई थिंक कि ये बंद होना चाहिए। देखिए इनका ये कहना है कि जिस तरह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उससे वो लगातार बच्चे मोबाइल के साथ ही अटैच हो गए हैं, उनके इमोशंस खत्म हो गए हैं, पेरेंट्स को लगातार वर्किंग करनी पड़ रही है बच्चों के साथ, लगातार मोबाइल के साथ जुड़े रहने के साथ बच्चों की आंखों पर फर्क पड़ रहा है, उनके सेहत पर फर्क पड़ रहा है, उसके मेंटल स्ट्रेस पर। मैम ये नहीं लगता कि हाँ अगर बच्चे अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो जो उनके ऊपर मानसिक तनाव है, जो प्रेशर है दिमाग के ऊपर वो, क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चे स्कूल में गए, होमवर्क लेकर आ गए, हमने शाम को पढ़ा लिया पेरेंट्स ने, लेकिन अब ये हो रहा है कि हाँ फिर पहले सुनना फिर नोट डाउन करना, पहले सुनना फिर नोट डाउन करना। आपको नहीं लगता कि हाँ उन क्लासेस की वजह जो ऑनलाइन क्लासेस है ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल है?
जी बिल्कुल, देखिए एक तो बच्चा सब बच्चों के साथ इंजॉय करता हुआ पढ़ रहा है और टीचर बिल्कुल सामने है, टीचर सब बच्चों से रेपो बिल्ड की हुई है टीचर ने, और फिर टीचर पढ़ा रहा है। और एक देखिए ऑनलाइन अभी अब नए बच्चे की नई क्लासेस हैं तो टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चे की मानसिकता कैसी है, बच्चा इमोशनली कैसा है, बच्चे की एप्टीट्यूड कैसा है। जब टीचर को पता नहीं है, बच्चे को पता नहीं है मेरी टीचर कैसी है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो देखिए पढ़ने में प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। देखिए इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का ड्रॉबैक हमें बताया कि बच्चों और टीचर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बच्चे जो है टीचर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, टीचर्स बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस से मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। मैडम एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अब लगातार हमारे समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, आपके पास मतलब जब मैं पहले आपसे मिलता था तब आप मुझे एग्जाम्पल दिया करते थे कि आज इस तरह की कॉल आई, आज इस तरह की कॉल आई, तो मैम ऐसा नहीं लगता कि हाँ जो हमारा जो समाज है लगातार इस तरफ जाता जा रहा है कि अब वो तो स्ट्रेस ले ही रहा है, आगे जो बच्चे हैं वो भी लगातार स्ट्रेस से घिरते जा रहे हैं, तो उन बच्चों को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आपने हमें पहले बताया कि पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी चाहिए या पेरेंट्स को करनी चाहिए कि ताकि जो बच्चे हैं वो तनाव का शिकार ना हो। जी देखिए एक तो बच्चों की जो एनर्जी लेवल है उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे किस क्या फील कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स का भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चा पढ़ नहीं रहा है या कम पढ़ रहा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो टीचर क्या करते हैं कि बस मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है टीचर की भी एक रेपो बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तो एक 90% लेने वाला बच्चा नहीं हो सकता, हर बच्चे की अपनी एक इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि साइकोलॉजी कहती है कि एवरी चाइल्ड इज़ अ इम्पॉर्टेंट चाइल्ड, तो हर बच्चा एक इम्पॉर्टेंट चाइल्ड है और एवरी चाइल्ड हैज़ अ क्वालिटी, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर है, और उस क्वालिटी को निखारना सबसे बड़ी बात है, उसको ढूंढना और उसको निखारना। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है काइनेस्थेटिक लर्नर्स के साथ, ये काइनेस्थेटिक जो टाइप के जो लर्नर्स होते हैं ये एक तो एक जगह बैठते नहीं, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और यही आगे जाकर प्लेयर्स वगैरह बनते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को या टीचर को अगर लग रहा है कि ये बच्चा बैठ नहीं रहा है एक जगह, ये बच्चा क्या करता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग रोकते हैं ना, ये रोकना गलत है, समझाना ठीक है लेकिन रोकना गलत है। हम नियम में कहीं ना कहीं बच्चों को बांध देते हैं, मुझे लगता है कि नियम में नहीं बांधना चाहिए। हम ये तो कह देते हैं कि बेटे इस स्विच को क्यों टच कर दिया आपने, लेकिन हम ये तो नहीं बता रहे ना कि उससे हो क्या सकता है, बेटे इससे आपको हार्म हो सकता है इसलिए टच नहीं करना। तो हम कहीं ना कहीं हम रीजन नहीं बता रहे, हम जो चीजों को थोप रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। बच्चों के साथ रेपो बिल्ड होनी चाहिए, बच्चों की एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए। और कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बच्चों में डेवलप करते हैं, इवन दो सीरियल्स भी। मेरे पास एक केस था जिसमें एक भाबो करके एक कैरेक्टर था, तो उस बच्ची ने उसको एडॉप्ट कर लिया था और वो अपने घर में उसी तरह से बिहेव करती थी कि आई एम जस्ट लाइक अ भाबो, और उसी तरह से सबको डांटना और सबको कंट्रोल करके रखना। तो मुझे लगता है कि ये टीवी कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, बच्चों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि बच्चों को समझाना ठीक है लेकिन बच्चों को बांधना ठीक नहीं है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नियमों में बांधने में जुटे हैं, वो बच्चों को एक चीज़ करने के लिए मना कर देते हैं लेकिन उसका रीज़न नहीं बता पाते कि आखिर अल्टीमेटली उन्होंने मना क्यों किया। दूसरा इन्होंने विस्तार से हमें यह जानकारी दी है कि किस तरह से टीवी पर आने वाले जो सीरियल्स हैं भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे उन सीरियल्स के अंदर जो करेक्टर्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आप को उन्हीं तरह एनालाइज करके फैमिली के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसे शोज देखें, ऐसे एपिसोड देखें जो कि फैमिली शो हों, जिनके साथ फैमिली में बैठकर देखा जा सके, जिसका कि कोई भी ऐसा बुरा असर बच्चों के दिमाग पर ना पड़े। मैडम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब आपको कॉल्स भी आती हैं, जैसा कि आपने हमें बताया था कि इस समय आज के दौर में जो हो रहा है कि पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनको भी काउंसलिंग की कहीं ना कहीं जरूरत है क्योंकि उनके झगड़े का असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है, आप हम पहले बता चुके हैं। मैम ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इवन दो भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं विचारों में सिमिलैरिटी नहीं होती है और वहीं पे क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे पर विचार थोपने नहीं चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कोई बात किसी की बुरी लग गई है तो उसको चुप रहकर उस टाइम उस समय को निकाल देना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए। अगर
आपको लग रहा है कि उस बारे में बात करनी किसी से ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि जब दूसरे का टेम्परामेंट थोड़ा सा लो चला जाए, उसका एग्रेशन कम हो जाए, एग्रेसिवनेस कम हो जाए, तब उससे बात करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो वो ये भी नहीं देख रहे होते कि बच्चा हमारे सामने है और हम एक दूसरे को किस तरह से गुस्सा कर रहे हैं या एक दूसरे को किस तरह से गाली गलौज से बोल रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे में कमियाँ निकाल रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट देखो बच्चों पर पड़ रहा है। और हस्बैंड वाइफ को ये चाहिए कि अगर उनको बात करनी है तो आराम से करें। एक मैं कई बार बच्चों को एक ट्रिक कराती हूँ, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि जी मेरे पापा ने ऐसे किया, मेरे मम्मा ने ऐसे किया, मेरे दोस्तों ने ऐसे किया, तो एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, आप सभी लोग कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। कभी प्याज आपने, आप भी करिएगा ज़रूर, प्याज देखा है आपने, प्याज को जब छीलते हैं तो उसकी लेयर्स उतरती जाती हैं, अलग अलग लेयर्स उतरती जाती हैं, तो उसकी लेयर्स उतारना, आप बड़े परेशान हो जाओगे उसकी लेयर्स उतारते उतारते, कि अरे ये तो कट ही नहीं रहा, ऊपर से इसकी लेयर्स हम एक एक करके उतारते जा रहे हैं। तो जब आप उसकी एक एक लेयर करके उतारते रहोगे तो वो उतरती जाएंगी लास्ट तक, इन द एंड तक, जब तक आप वो आखिरी छोर तक नहीं पहुंच जाओगे। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि देखो आपकी लाइफ भी इसी तरह से है, वो प्याज के जो छिलके हैं उनको या तो आप उतारते रहिए या फिर पुरानी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़िए। जब आप पुरानी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो आपकी लाइफ बहुत खुश रहेगी, आप हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर आप वो पुरानी चीज़ों को कि उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, अब हस्बैंड वाइफ में तो बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा तुमने उस दिन ये किया था, तुमने उस दिन ऐसे किया था, तो मुझे लगता है ये चीज़ें छोड़कर अगर एक दिन हम प्रेज़ कर दें, वाइफ हस्बैंड की प्रेज़ कर दें, अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो, अरे आज कैसे आपका काम ठीक रहा, आप थक गए हो गए, चलो आप बैठो मैं चाय लाती हूँ। और यही हस्बैंड को भी चाहिए कि वाइफ ने खाना बनाया तो उसकी प्रेज़ करे कि हाँ आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, अरे बहुत गर्मी है, आप कैसे खाना बनाती हो, कैसे मैनेज करती हो, तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करेंगी, 100% करेंगी। जो इनके बीच में कलह रह जाता है कुछ हस्बैंड वाइफ कपल्स के अंदर, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए सिर्फ विचारों के क्लैशेस हैं, और दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस, हम कई बार इतनी ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और वो फुलफ़िल नहीं होता हो पाती। जैसे मैंने पहले कहा कि दो लोग सिमिलर नहीं हो सकते, मैं किसी से कैसा जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर मुझे वैसा आंसर नहीं मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाऊँगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी, तो ये चीज़ें ह्यूमन बींग्स में हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन को छोड़कर रिश्ते निभाने में ज़्यादा मज़ा है, तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन छोड़कर फिर रिश्ता निभाएं और फिर देखें रिश्ता बहुत बढ़िया निभेगा। ये थे डॉक्टर भावना शर्मा हमारे साथ, इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी किस तरह से अगर कपल्स के बीच में भी किसी तरह का कोई भी वाद विवाद है तो बातों के जरिए सुलझा सकते हैं, विचारों की कमी उनका मुख्य कारण है और उम्मीद ज़्यादा मुख्य कारण है। आप किसी से ऐसी उम्मीद मत रखिए कि जिसकी उम्मीद आप उनसे ना हो। हाँ, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए प्रेज ज़रूर करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से मैम का धन्यवाद करूँगा, हमें इतनी विस्तार से जानकारी दी ताकि मौजूदा समय में बच्चे और उनके पेरेंट्स वो दोनों के दोनों तनाव और अवसाद से शिकार हो सके, से बचाव हो सके, क्योंकि तनाव और अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो आगे जाकर कहीं ना कहीं कुंठित एक व्यथा का रूप ले लेती है और वो कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चों के मानसिक और बच्चों की शारीरिक ग्रोथ पर कहीं ना कहीं काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद समाचार एक्सप्रेस से बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।